हेलो किड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन टू, जिसका नाम है बोलू चला दुनिया घूमने। यह एक कविता है जिसमें बोलू नाम का भालू दुनिया की अलग अलग प्रसिद्ध जगहों पर घूमने की इच्छा रखता है। तो चलिए हम भी बोलू के साथ विभिन्न जगहों पर सैर करने जा रहे हैं। हाथ में नक्शा, आंख पर चश्मा, पीठ पर टांगे काला बैग, चला है भोलू दुनिया घूमने, सिर पर पहनकर बड़ी सी हैट। बोला भोलू, रंग बिरंगी दुनिया देखकर आऊंगा, इटली, पेरिस और जापान में पास्ता और नूडल्स खाऊंगा। अलग अलग सीख कर बोली दोस्त नए बनाऊंगा, तरह तरह के वेश पहनकर फोटो खूब खिंचवाऊंगा। सबसे पहले जहाज में बैठकर फ्रांस घूमने जाऊंगा, सैल्यू और बॉन्जोर बोलकर आईफेल टावर चढ़ जाऊंगा। उसके बाद जापान घूमने जाऊंगा, किमोनो पहन माउंट फूजी चढ़ जाऊंगा। उगते सूरज के देश में 2 दिन तो बिताऊंगा, फिर सायोनारा बोलकर अगले देश में जाऊंगा। नीले समुद्र के रास्ते न्यूजीलैंड घूमने जाऊंगा, सफेद बर्फ की वादी में थोड़ी देर सुस्ताऊंगा, डॉल्फिन और पेंगुइन को किस्से अनेक सुनाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही चीन घूमने जाऊंगा, चीन की दीवार देखकर वापस भारत आऊंगा, हिमालय और गंगा की गोद में डुबकी एक लगाऊंगा। जाऊंगा मैं दुनिया के कोने कोने, फिर किस्से ढेर तुम्हें सुनाऊंगा। कविता में हमने देखा कि भोलू नाम का भालू विश्व के अलग अलग देश में जाकर वहाँ की प्रसिद्ध जगह देखने की इच्छा रखता है। बच्चों, हम जानते हैं कि हर देश की अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है, हर संस्कृति की अपनी भाषा अलग, खान पान अलग और वेश में भी विभिन्नता दिखाई देती है। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता को समझ लेते हैं। सबसे पहले भोलू जहाज में बैठकर फ्रांस जाकर वहाँ का आईफेल टावर चढ़ना चाहता है। उसके बाद जापान जाकर किमोनो पहनकर माउंट फूजी भी चढ़ने की इच्छा रखता है। भोलू को न्यूजीलैंड जाकर बर्फ की वादियों में आराम करना है और वहाँ पे डॉल्फिन और पेंगुइन से मिलकर अपने जीवन के बहुत सारे किस्से भी शेयर करने हैं। अंत में भोलू चीन की प्रसिद्ध दीवार देखकर अपने देश भारत आकर गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा रखता है। बच्चों, इस तरह भोलू दुनिया के कोने कोने में घूमना चाहता है। बच्चों, क्या आपको पता है हमें भी भोलू की तरह एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हमें वहाँ की सरकार से अनुमति लेनी
होती है और यह अनुमति हमें पासपोर्ट पर मोहर के माध्यम से मिलती है। बच्चों, आप भी भोलू की तरह किसी ना किसी देश में घूमने की इच्छा रखते ही होंगे। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जिसमें आपको एक पेज के ऊपर आप कौन से देश जाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। फिर उसके नीचे आप उस देश की भाषा, खानपान, राजधानी और पर्यटन स्थल की माहिती एकत्रित करके लिखेंगे। उसके नीचे आप उस देश का झंडा भी अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।